एकेडमी से या जो हमारे सामने इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग को अगर कोई क्वेश्चंस करना है, किसी जानकारी से रिलेटेड बात करनी है, एजुकेशन से रिलेटेड या बजट का रिलेटेड, कहीं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो हमसे बात कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है आप अपना रख सकते हैं। सर, बात कर रहे हैं बिहार में, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, जी तो बिहार के बच्चे क्रेडिट कार्ड लेकर तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर के कॉलेज के द्वारा काफी कठिनाइयां झेलना पड़ता है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए सर, ये जो क्रेडिट कार्ड पॉलिसीज 4 लाख वाली जो नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है अपने बिहार में, और इसके लॉन्च करने से क्या है कि बहुत जो रूरल एरिया के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए तो एक बेनिफिशियल हो गया है। और इसमें एक चीज फायदा ये है कि बिहार में किसी भी कॉलेज में अगर स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनको तो ओवरऑल 4 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया जाता ही है, ठीक है। इंडिया बिहार के बाहर अगर कोई बच्चे जाते हैं जो अदर स्टेट है, जो कॉलेज NAC के NBA NRF के कैटेगरी में है, उस बच्चे को 100% 4 लाख से क्रेडिट कार्ड देती है अपनी बिहार सरकार, ठीक है। तो इसमें जो दुविधा आ रही है वैसे कॉलेज में आ रही है, वैसे कॉलेज में बच्चे ना जाए, वैसे कंसल्टेंट के झांसे में ना आए कि जो कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को ले जाके पढ़ाती है, ठीक है। इसमें एक दो चीज देखना चाहिए कि बच्चे अपने से जाए कॉलेज देखे या एक अच्छे कैरियर काउंसलर से मिले, एजुकेशनल कंसल्ट। ऐसा नहीं होता है कि सब कंसल्टेंट एक जैसे होते हैं, 10% 20% 40%, कुछ कंसल्टेंट अच्छे भी है, बहुत अच्छा रोल मॉडल पेश कर रहे हैं इंडिया में, जिसकी मिसाल दे सकते हैं हम लोग। उसमें क्या है कि बच्चे को जो कॉलेज NAC के NBA NRF जो UGC इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आती है, जो रैंकिंग देती है ये सबको, उसमें बहुत ही ए ग्रेड का ही कॉलेज होता है। और बिहार सरकार ने जो पॉलिसी में जो गाइडलाइंस अमेंडमेंट पास किया था 16 जुलाई को लास्ट ईयर 2019 को, उन्होंने बोला कि सब कॉलेज को हम नहीं देंगे बिहार के बाहर, बिहार के बाहर ओनली ऑन हम वैसे कॉलेज को देंगे जो NAC के NBA NRF कैटेगरी में है, वैसे कॉलेज में बच्चे नामांकन कराए और अपना जो नामांकन कराने का जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग करे। सपोज डेट इंजीनियरिंग करना है, JEE मेंस के काउंसलिंग के माध्यम से चले जाए, सपोज डेट होटल मैनेजमेंट में जाना है IHM के काउंसलिंग से चले जाए, सपोज डेट फैशन डिजाइनिंग के कोर्स जाना है तो NIFT की दे ले, लॉ में जाना है क्लैट से दे ले, मेडिकल में जाना है तो मेडिकल में जाना है तो NEET दे ले, आयुर्वेदा यूनानी BHMS MBBS जितना कोर्सेज है, बच्चे डायरेक्ट बात करें कॉलेज से और डायरेक्ट चले। हाँ, कुछ उसके चैनल पार्टनर्स होते हैं जो स्टेट में, उनसे बात करें बच्चे और उनसे बात करके अपना वहां पे ऑथराइजेशन लेटर होती है उनकी, वो चेक करें पहले कंसल्टेंट के ऑफिस से कि आप रियल में ऑथराइज है कि नहीं कॉलेज के लिए, तब वहां से आप एडमिशन लें, तो आपको कभी कोई परेशानियां नहीं आएगी। परेशानियां दो तीन हो जाती है कि आप कॉलेज को नेट पर से देखकर आप लोग देख लेते हैं रैंकिंग अच्छी है, ग्राफ अच्छी है, प्लेस। आप अगर 4 साल अपनी देनी चाह रहे थे, एक बार कॉलेज विजिट कर ले,